हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। कैसे हैं आप लोग? आइए, सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआ से। और कल वाला ब्लॉग में मुझे इतना प्यार दिया आप लोग, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और जिसका भी बर्थडे है, तो मैंने नाम नहीं पढ़ा, लेकिन दो तीन दिन से मैसेज आ रहा है कि दीदी बर्थडे विश करना, इसके लिए प्लीज़ सॉरी। क्योंकि मेरा जो मैसेज है ना, वो पता नहीं कैसे सारा डिलीट हो गया, लेकिन मैंने देखा था कि किसी किसी का बर्थडे था और मैं विश नहीं कर पाई थी। इसीलिए मेरे तरफ से आप जितने भी लोग हैं सबको हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आप अपने ज़िंदगी में खुश रहिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की, और जो पल में है बस उसी पल को खुशी के साथ और इन्जॉय के साथ जीने की कोशिश करिए। और पता है आज मेरा दिन का शुरुआत आप लोगों के साथ हो चुका है, तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जो सुबह का क्लीनिंग वगैरह था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और कल मेरा थर्सडे वाला उपवास था और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को भी आज मेरा उपवास ही रहेगा। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है अनंत चतुर्दशी, तो आज मेरा उपवास है, कल तो ऐसे ही उपवास था और आज ही कुछ मीठा ही खाना है। तो सबसे पहले सुबह फटाफट से हम पूजा करते हैं, और हमारा जो फूल का पेड़ है ना, उसमें 3 फूल खिले हुए हैं, तो मैं अभी तोड़ रही हूँ। मतलब डेली 2, 3, 4 कभी कभी ऐसे खिलते रहते हैं, तो मैं जल्दी नहीं सेल करती, लेकिन आज मैं ना तोड़ रही थी ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, खिला खिला सा फूल। ये ना हल्का पिंक वाला है और रेड वाला जो है ना, अभी उसका गाछ बहुत ही छोटा है, तभी उसमें नहीं खिल रहा है। और अभी यहाँ पे सारा भोग वगैरह लगा दिए थे, जो पूजा का बर्तन है ना वो सारा मैं पहले ही धो ली थी, पूजा रूम भी धो ली थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी और मतलब अगरबत्ती वगैरह जो है ना वो दिखाऊंगी। आप लोग कहते हैं कि दीदी धूप बत्ती जलाया करो, तो मैंने घर में कहा था, लेकिन वो लोग बोले क्या ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं भी तुम मंदिर में जाती हो तो देखती हो कि धूप बत्ती कहीं भी दिखता है तुमको, अगरबत्ती ही दिखता है ना, तो ऐसे बोल रहे थे। तो हम बोले चलो कोई नहीं, देखिए श्रद्धा होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, बाकी बात पत्थर को भी पूजने से भगवान होती है। तो ये नहीं है कि अब जो जिसके पास जो अवेलेबल है वो उसी से पूजा कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज अनंत पूजा है, तो मेरा उपवास है और हस्बैंड जी का भी उपवास है, क्योंकि अनंत पूजा में हम दोनों करते हैं, ये भी करते हैं, सिर्फ मेरी सासू माँ नहीं करती है, तो हम दोनों का उपवास रहेगा अनंत पूजा वाला। तो अभी जो हम बाह में बांधे ना, तो वो अनंत है, ये पंडित जी से मतलब मंदिर पर ही पूजा पाठ करा के लेते आए थे, और हस्बैंड जी मंदिर पर ही बांध लिए थे, सिर्फ मैं घर पर बांध रही थी। और सच बताऊँ ना, तो मुझे ना मतलब कल तो मेरा उपवास था ही और आज भी उपवास ही है, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि कुछ तीखा खाऊं, लेकिन तीखा तो खा नहीं पाऊंगी। मतलब दोनों है ना व्रत, क्या है कि एक दिन भी गैप नहीं रहा, बीच में दोनों ही पड़ गया, इसीलिए थोड़ा सा वो लग रहा था। और फिर उसके बाद सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद मैं शरबत बनाई, इनको भी दे दी और मैं भी पी ली शरबत। और फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी के लिए नाश्ता मैं बना रही हूँ, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अकेले इंसान के लिए क्या बनाऊं, तो मैं मम्मी बोली कि कुछ भी बना देने के लिए, तो मैं पास्ता बना रही हूँ और एक और देवर था, तो देवर भी था, तो मैं दोनों के लिए बना देती हूँ। और पता है आराध्या तो सबके पीछे पड़ गई है, सबके ऊपर वो केस कर देगी, पता नहीं कहाँ से सीख के आ रही है चोर पुलिस वाला खेल, और पूरा एकदम आज कर रही थी। मैं ना इसे बोली बेटा परेशान मत करो, मम्मा का उपवास है ना, व्रत है, तो मत परेशान करो, तो बोले केस कर देंगे, ऐसे ही पापा को भी दादी को भी सबको बोल रही है। तो बच्चे के साथ मतलब क्या क्या ये सीख के आ रही है पता ही नहीं चल रहा है। आजकल के बच्चे ना इंटरनेट से भी आगे निकल रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं, इतनी ज़्यादा शरारती हो गई है, उल्टी पुल्टी बातें बच्चे लोग के साथ सीख के आती है और घर में अजमाती है ये। तो फल वगैरह से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना फल केला मैं खा लूँगी, लेकिन ना सेब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मैं मुझे उतना अच्छा ही नहीं लगता है सेब वगैरह खाना, फिर भी मैं खा लेती हूँ अभी पूजा के लिए मतलब। और यहाँ पे जो लड्डू है ना, ये लड्डू मैं एक लड्डू खाई थी, क्योंकि मुझे लड्डू बहुत पसंद है, बाकी फल फ्रूट मुझे उतना पसंद नहीं आता, और उपवास वाले दिन तो और बिल्कुल भी नहीं खाने का मन करता, ऐसा लगता है कि पेट में चुभ रही है, ऐसा फील होता है मुझे। और फिर ना यहाँ पे मैं भी थोड़ा मीठा में खा ली थी और इनको भी दे दी थी। इसमें ना खाने का होता है सबका अपना अपना, को मैं हम लोगों में क्या है ना कि हम लोग जिस दिन अनंत को बांधते हैं ना, तो उसी दिन मतलब मीठा खाते हैं, और कोई लोग क्या करते हैं ना, एक दिन पहले मीठा खा लेते हैं, फिर उसके दूसरे दिन अनंत बांधते हैं, तो सब अपना जैसे चलाता है, अपना रीति रिवाज से सब करता है, लेकिन हम लोग जिस दिन बांधते हैं ना उसी दिन मतलब उस दिन ही मानते हैं,
तो इसी तरह और मम्मी तो नहीं कर रही है ना उपवास, तो कुछ तो मम्मी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी के लिए कद्दू थी तो मैं सोची कद्दू का ही सब्जी बना देती हूँ। तो पता नहीं आज मेरे से बहुत ज़्यादा सब्जी बन गई, क्या दिमाग में था, मैं चना का दाल फूल लेती और मुझे याद ही नहीं था कि मैं चना का दाल मतलब डाल के कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं दो आलू भी काट दी थी, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जी बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इतना सारा कट गया है तो डाल ही दिए, और ऐसे रखने के बाद तो वो ख़राब हो जाता क्योंकि सब्जी तो दूसरे दिन बननी थी तो मैं बना दी। और वैसे भी सासू माँ को ना कद्दू वाली सब्जी जो है ना चने दाल डाल के आलू डाल के बहुत पसंद करती है, और यहाँ पे मैं यही दोपहर का खाना मैं बना दी थी, चावल और सब्जी, तो मम्मी को बहुत पसंद आता है। और फिर ना मतलब चावल भी थोड़ा ज़्यादा बन गया था, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरा उपवास है, हस्बैंड जी का तो उपवास नहीं है ना, ये दोनों खाएंगे, इसलिए मैं दोनों इंसान के लिए सोच के बना दी थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद ना मैं अपने लिए यहाँ पे मीठा बनाऊंगी कुछ अभी खाने के लिए, इसीलिए मैं सफाई कर रही हूँ। पहले यहाँ पे एक बार मैं सरफ से पोंछ दी थी पूरा ही, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा नमक तेल ये सब का खाना बना है ना, इसीलिए मैं पोंछ लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे अपने लिए कुछ मीठा। और कल भी उपवास था, आज भी उपवास है ना, सच में बताऊँ ना कि मन नहीं कर रहा था कि किचन में खड़ा हो जाऊँ और कुछ खा लेती ना आज, जैसे नमक वाला तो फिर ठीक रहता, और मैं ना मतलब उपवास वगैरह कर नहीं सकती हूँ, लेकिन कुछ मतलब वजह से मैं कर रही हूँ इसीलिए, तो ये सब मैं सकती नहीं हूँ फिलहाल। मैं पूजा पाठ तो मैं करती हूँ लेकिन उपवास वाला जो है ना वो सब मैं नहीं सक पाती हूँ। और अभी आराध्या है ना, उसके पीछे दौड़ना, फिर घर को देखना, सब फिर संभालना होता है ना, और ऊपर से मैं कमज़ोर ऐसे ही हूँ इसीलिए, तो फिर भी क्या कर सकते हैं, कर तो रहे हैं। और फिर ना मैं इनके लिए अभी ना हम लोगों का जो दूध है ना वो शाम में आता है, अभी सुबह के टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को दूध, तो शाम में देता है, तब शाम तक का वेट तो नहीं कर सकते थे, तो ये पैकेट वाला दूध मार्केट से लेके आए। और मैं सबको मतलब मम्मी को और इनको चाय बना के दे देती हूँ, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, और ना एक साइड में सेवई बना लेती हूँ और मतलब 8-10 पूड़ी बना लूँगी, दोनों खा लेंगे। तो जैसे पता है मैं सोची पूड़ी के लिए आटा गूंथ ही रही थी, तो इन्होंने क्या कहा कि तुम खाओगी तो तुम अपने लिए बना लो और मतलब मेरे लिए मत बनाना, हम फल ही खा लेंगे, मतलब पूड़ी वगैरह नहीं खाने का मेरा मन है। तो मैं सोची कि अकेले इंसान के लिए मैं खुद क्या बनाऊँ, इसलिए मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और वैसे भी ना मुझे ना उपवास वाले दिन मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब दूर भागती हूँ उपवास वाले दिन ना, ऐसा लगता है कुछ ना खाऊँ, बस पानी पीती रहूँ बस, और कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ भी कुछ ऐसे ही खा के अपना काम चलाती हूँ, लेकिन मुझे ना सच में बिल्कुल ऐसा ना मतलब अंदर से ना मतलब वोमिटिंग सा लगने लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, फल फ्रूट कुछ भी नहीं उपवास के दिन में खाना पसंद करती हूँ, फिर भी थोड़ा सा पेट के लिए तो खाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती खाती हूँ। और यहाँ पर सेवई बनाए तो पूरी तो कैंसिल ही हो गया, अगर ये खाते तो बना लेती तो एक आध दो खा लेती, तो इन्होंने मना कर दी, तो मैं भी उतना वो नहीं पसंद करती हूँ, पूड़ी के साथ मुझे सब्जी चाहिए तो सब्जी तो खाएंगी नहीं, इसलिए मैं नहीं बनाई। और फिर उसके बाद अभी ना जो काम है मतलब नाश्ता पानी खाना पीना सारा चीज़ होने के बाद जो शाम वाला काम होता है, मतलब झाड़ू बर्तन गैस वगैरह का सफाई, वो सारा मैं अभी कम्प्लीट करूँगी। तो अभी ना दोनों ही रूम का बेडशीट सेट करेंगे और झाड़ू दे देते हैं, पहले इस रूम में हम झाड़ू देते हैं फिर उस रूम में झाड़ू देंगे, मतलब पूरा घर में झाड़ू देंगे। और सच बताऊँ ना आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे ना अब अपनी लगने लगी है, आप लोगों ने छोटी बहन का फर्ज निभाया है मेरे साथ, बड़े बहन भाई मतलब आंटी चाची जो भी बोलो सारे रिश्ते मुझे यूट्यूब से मिल गए जो मुझे पहले नहीं मिला था। मतलब पहले तो मेरा इतना बड़ा फैमिली है लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं ना कि नाम का होता है, और कुछ होता है ना कि नाम का नहीं होके भी अपना सा बन जाता है, तो वही सारा मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मुझे आगे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और यहाँ पे इस बदमाश को देखिए, अभी मैं तुरंत बेडशीट को सेट की हूँ और यहाँ पे ये चप्पल जूता क्या क्या बेडशीट पे रख रही है, पूरा इसी तरह दिन भर बदमाशी करती है जिसके वजह से। और बेडशीट ना छोटा नहीं, आप लोग कहते हैं कि दीदी अंदर से गार्ड बांध के दबा दिया करो, लेकिन ना बेडशीट हल्की हल्की छोटा है और दोनों ही बेडशीट नई है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बहुत नई है, बहुत दिन तक अभी चलेगी। तो मेरा दिनचर्या कुछ इसी तरह से बीतता है मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली के साथ और सबसे अच्छे और प्यारे फैमिली के साथ। मैं सोच रही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारे सब ब्लॉग के साथ,
तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द।